नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों आजकल चर्चाओं में एक योजना चल रही है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना, या आप कह सकते हैं जन आरोग्य बीमा योजना। आपने काफी न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल में इस योजना के बारे में जरूर सुना या पढ़ा होगा। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं इस योजना में ऐसी क्या खास बातें हैं जिस कारण यह योजना ट्रेंडिंग में चल रही है, और इस योजना में ऐसे कौन से टॉप बेनिफिट्स हैं जो आम लोगों को काफी फायदा पहुंचाने वाले हैं। उसके लिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों इससे पहले भी हमने आयुष्मान भारत बीमा योजना पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने बताया था कि योजना क्या है और कौन कौन व्यक्ति इस योजना के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाकर इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर देख लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से ऐसे टॉप बेनिफिट्स हैं जो इस योजना में मिलने वाले हैं। दोस्तों इस योजना का सबसे बड़ा और सबसे जो मेन बेनिफिट्स है वो है लाभार्थी परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज। यहाँ पर मेडिकल कवरेज का जो अर्थ है, अगर लाभार्थी परिवार का कोई भी सदस्य किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और उसके इलाज में लगभग 5 लाख रुपए का खर्च आता है, तो वह 5 लाख रुपए सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे। उस व्यक्ति को अपने जेब से एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बीमा कवरेज के लिए कोई भी आयु सीमा तय नहीं की गई है। लाभार्थी परिवार का कोई भी वयस्क और अवयस्क दोनों व्यक्ति इस योजना का लाभ यानी कि बीमा कवरेज का लाभ ले पाएंगे। और जो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है, यह बीमा कवरेज हर वर्ष उस लाभार्थी परिवार को मिलता रहेगा। इस योजना का जो नेक्स्ट बेनिफिट्स है वो है निजी और सरकारी दोनों प्रकार के हॉस्पिटलों में इलाज। लाभार्थी परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के सभी स्वास्थ्य खर्चे और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे इस योजना में शामिल किए जाएंगे, और सभी पैसा लाभार्थी को दिया जाएगा। और दोस्तों अगर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में आने जाने में जो भी खर्च उसका लगेगा, वो इस योजना के तहत सभी लाभार्थी को पैसा दिया जाएगा। और दोस्तों इस योजना का लाभ पूरे भारत में कहीं पर भी लिया जा सकेगा। अगर कोई भी व्यक्ति यूपी का है, किसी दूसरे अगर प्रदेश में रह रहा है, तो वह किसी भी अस्पताल में वहाँ पर भी इलाज करा पाएगा। उसे बस अपना हेल्थ का जो कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान भारत योजना का कार्ड, वहाँ पर उसको दिखाना होगा और किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा पाएगा। इस योजना का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है योजना का पूरी तरह से कैशलेस होना। भारत सरकार ने पैसों के लेन देन में गड़बड़ी से बचने के लिए इस योजना को पूरी तरह से कैशलेस बनाया है। लाभार्थी परिवार को बस एक आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल वह किसी भी प्राइवेट या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में कर पाएगा। कार्ड दिखाने के बाद उसका पूरी तरह से इलाज फ्री में हो पाएगा। और दोस्तों इस योजना का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह है, सरकार ने इस योजना के लिए कोई भी परिवार का आकार तय नहीं किया है। परिवार के कितने भी सदस्य इस 5 लाख रुपए का कवर बीमा ले पाएंगे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आप जान चुके होंगे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी परिवार के लोगों को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।